आप लोग कन्वर्ट करना बंद करो, नहीं मैंने नहीं बंद करना, आपकी वजह से बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। मैंने नहीं बंद करना। आपने क्या करना है? और आप लोगों को दिक्कत है कोई? मैं जहां जाती हूँ आप लोग पीछे पीछे अपने लोग क्यों भेज देते हो? मैं किसी के पीछे कोई नहीं भेजता। मैं यहाँ पे स्ट्रीम चला रहा हूँ, लोगों को भेजूंगा तुम्हारे पीछे? क्यों झूठ मुझसे बोल रही पीछे हो? पीछे से क्या एड्रेस दिया बोला? तुमने? किसी हिंदू सनातन चैनल पे जाओ, जब मैं गई तो फिर वो एक्स मुस्लिम मेरे पीछे क्यों भेजे तुमने? मैंने नहीं किसी को भेजा। तो फिर अपने दोस्तों यारों को बोलो मैं झूठ क्यों जिनसे बोलती हो? बात तुम्हारे करूं। तुम्हारे पास वही आई थी जिब्राइल लेके आया था तुम्हें बताने के लिए कि मैंने तुम्हारे पीछे एक्समस्टम भेजे हैं? क्या पागल हो गई हो? दिमाग खराब है? पागल कुत्ते ने काट लिया है? तो वो बीच में आया था ना, वो तो उसने मेरा तुझे कसूर है? उस चैनल से स्ट्रीम, पूछो ना जिस चैनल पे तुम थी, मेरे साथ थी, मैं गया था तुम्हारे साथ। तो वो हद हो गई है। एक तो तुम लोग ऐसे पीछे पीछे घूमते हो, मैं तुमसे बात करने आई भाई नहीं मैं थी। तुम जैसी गंदी औरत के पीछे क्यों घूमूंगा? तुम तो पीछे घूमते नहीं, तो भेजते क्यों हो? हाँ तो तुम जैसी गंदी औरत के पीछे मैं क्यों घूमूंगा? मैं गंदी औरत नहीं, तुम गंदे इंसान हो। तुम लोगों को कन्वर्ट करते हो और हाँ मिसगाइड मैं कन्वर्ट करते हो। करता हूँ, मुझे करना है। तुम्हें कोई इतराज है? हाँ है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्या इतराज है तुम्हें? बहुत ऐतराज है। तुम क्या इतराज मिलोगे है? एक बार, तुम पता चल जाएगा क्या ऐतराज है। तुम जैसी गंदी औरत से मैं मिलना ही नहीं पसंद करता भाई। तो तुम डरपोक हो ना, डरपोक हो तुम। नहीं मैं गंदी औरतों से मिलता ही नहीं, सिंपल सी बात है। देखिए इंसान गंदी अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। मैं तुमसे मिलूंगा लोग कहेंगे इतनी गंदी औरत के पास गया है, ये भी ऐसा ही तुम होगा बहुत गंदा। गंदे हो, तुम मैं हो गंदा? गंदे। तुम गंदी हो? तुम सीधे हानिया तरीके से हानिया, बात नहीं कर पाते। अरे हानिया यार, उस दिन तो तुम एक्स मुस्लिम बन गई थी, वो आज फिर देखो से ठीक क्यों आ है, गई? आप लोग ऐसे दूसरों का ब्रेन वॉश करते हो। आप लोग पहले लोगों को, मतलब जो इंसान सही रहता है उसको भी गलत करने की कोशिश करते हो। अरे गंदी तुम वो हो, भी मुझे क्यों सिर्फ कह रही हो? अपने फायदे के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए। ठीक है, यार तुम गंदी हो, तुम गंदे हो और तुम छुप तुम के गंदी करते हो हो। काम। तुम करते छुप के, अगर तुम इतना ही सही काम कर रहे हो और सही इंसान हो तो सामने आके करो ना। मैं सामने क्यों आगे करूं? तुम गंदी हो, मैं गंदे लोगों के साथ नहीं एसोसिएट कर सकता अपने आप को। अरे तो अपने ऑडियंस के लिए सामने आओ। अगर इतने ही क्यों आओ सच मेरी ऑडियंस हो, के? इतने ऑडियंस, ही अगर आप हो चाहते हैं कि मैं सामने आऊं तो तो दो भेजें, और अगर आप चाहते हैं मैं सामने ना आऊं तो एक भेजें। जल्दी से देखो ऑडियंस क्या चाहती है। मुझे ये लड़ाई मियां बीवी वाली क्यों लग रही है? यार देखो मियां अब बीवी देखो ऐसे लोग क्या कह रहे हैं। ऐसे अरे ऐसे साजिद, इंसान ऐसी से ऐसी मियां मेरी बीवी बीवी बने होती रहते ना, हो। ऐसी बीवी मेरी होती ना, तो तीसरे माले से धक्का देके फेंक देता। वो देखो सारे लोग कह रहे हैं मत दिखाओ, वो देखो वन, सारे लोग वन कह रहे हैं। और देखो अगर ऐसा ऐसा मियां मेरा होता ना तो मैं गर्दन थी। जेल में चली जाती सारी। हाँ तो तू नहीं जाता। मैं कैसे जाता? मैं तो चौथे माले से फेंकता, मैं कहता फिसल गई साली, गिर गई। क्या देखा देखा, कोई बात अगर देखा? तुमसे देखा नहीं बोली जाती है ना, फिर तुम गाली देना शुरू कर देते हो। गाली का तुम्हें दे रहा लगता हूँ है भाई। गाली देते अच्छा हो दुनिया बीवी बनना भर कबूल है, की साली बनना लोग कबूल नहीं देखते है? दूर फिटे मुंह तेरे पे हानिया। बीवी बनना कबूल है, साली बनना कबूल नहीं है तुझे? हैं। नहीं, गाली गाली तुम देते हो ना तो सामने वाला भी गाली दे सकता है। मेरे मुंह में भी गाली अरे आती है, बीवी लेकिन बन गई वो, तुझे टेंशन नहीं थी, साली बन गई यहाँ पे तो टेंशन हो गई। मैं कभी भी बनी, मैं कभी भी बनी। अभी तुम कह रही हो बीवी होती तो तुम मेरा गला उसकी काट तुम देती। एक्स मुस्लिमों की प्रॉब्लम क्या है अच्छा मुझे नहीं बासन पता। बासन बासन मैं बासन, किसी गला कैसे चैनल काटती पे फिर से? जाती हूँ, वो अच्छा पहले गला कभी गला तो मेरे गला कौन पीछे सी आया उसी से काटती है ये मुझसे बता दे। बकवास करता है। ठीक है, अच्छा वो गला जब था, गला, अरे सुन वो तो होता है ना, मैं उसको बताती। भाई हानिया, गला गला कौन सी छुरी से काटेगी? और कोई अपनी बात रखे, कोई तुम्हें गलत प्रूफ कर दे, फिर तो अरे तुम गलत क्या उसको प्रूफ तो स्टेज कर करना देते हो। यार, गला कौन सी छुरी से काटेगी? अरे तो ये तो साफ दिख रहा है ना, तुम्हें इतनी मतलब दिक्कत है इस्लाम से। हाँ तुम छोड़ चुके हो उस चीज को, फिर भी तुम उस चीज पे बोले जा रहे हो और कहते हो मेरी मैं मर्जी, ज्ञान बांट रहा हूँ, मैं ज्ञान दे रहा हूँ, मेरी नॉलेज दे रहा हूँ। मर्जी, ये नॉलेज, मेरी मर्जी। ये तुझे क्या नॉलेज तकलीफ है, है? तू ये मेरा चैनल ना नॉलेज देख। है। नहीं, तुझे किसी ने चैनल कहा मेरा देखने चैनल की देख? बात नहीं, अरे चैनल देखने की बात नहीं है। तुम लोगों को कन्वर्ट कर रहे हो, अरे मिसगाइड कर मैं रहे हो। कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं तुझे नहीं क्या देख रही तकलीफ हूँ। है? और नीचे साले हिंदू तुम्हारे कमेंट बॉक्स से, तुम्हारे सारे ऑडियंस इतनी गंदी घटिया है ना, दूसरों को गाली सारी देती है, भर भर गंदी, के गाली आ देती है। थू, सारी गंदी, तेरे जैसी गंदी है ना?
हाँ तुम्हारे उधर लड़कियां भी तुम्हारे गंदी से है। हानिया जी मैं कह रहा हूँ सो जाइए, सुबह उठ के बर्तन भी तो धुलना है आपको ना, सो जाइए। नहीं तुम्हारा मुंह धुल दूंगी मैं सुबह उठ के, ठीक है? हाय साजिद, इतने साजिद फट्टू हो ये एक ही तुम लोग, बिस्तर पे होगा तो वो तो इसके साथ वही सुबह उठ के मुंह धोएगी, ये एक बिस्तर पे तो सोना पड़ेगा इसके साथ। हाय तो सही काम हाय हानिया, हानिया आज तक मेरी नहीं, किसी अगर बीवी सही ने काम सुबह उठ करती के तो मेरा काम मुंह नहीं नहीं होते धुलाया। तुम्हें हे हानिया, हानिया सुन, आज तक मेरी किसी बीवी ने सुबह सुबह उठ के मेरा मुंह नहीं धुलाया, तुम धुलाएगी तो ठीक है मैं पास आता हूँ तुझे, मैं गंदा नहीं कहूंगा। ना। हाँ 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 जरूर यूरिन से धुलाऊंगी, जरूर यूरिन से कौन धुलाऊंगी मुंह धोलता है? अरे मैं। तुम अपना मुंह यूरिन से धोती हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया, मैंने कहा था इसको यूरिन से पता कौन है मुंह ना धोता है, कहती है मैं। लाला जी, इसको खुद पता है ना कि इसको रात को इसको हम लोग देखेंगे तो हम लोगों का मुंह गंदा हो जाएगा देखने से ही, इसीलिए कह रही है कि धुलाऊंगी मैं। लेकिन साजिद मैंने तो पूछा था यूरिन से कौन मुंह धोता है, कहती है मैं, अब मैं क्या करूं है इसका, तुम्हारा ये यूरिन से मुंह धोती है। भी भाई यूरिन से वो, और तुम्हें ना मैंने पूछा था यूरिन से कौन गाली मुंह और धोता है, तुमने गाली कहा बोल मैं। सकते हो, अच्छा बिना बात सुन, बिना गाली दिए भी बातें बोल सकते अच्छा हो, ठीक है? मैं गाली नहीं देता बीबी, कुत्ती तुम्हारे मुसलों ने आके दी है, माँ प्लीज का बैक स्टेज बच्चा, जाके कुत्ती देखो। माँ को गाली देना ठीक है? कुत्ती माँ का बच्चा किसी माँ को गाली देना ठीक है? फिर तुम्हारी माँ पे कोई बोले तो तुम्हें बुरा लगेगा, देखो हानिया हर बात बात सुनो, बोलती कुत्ती माँ का बच्चा, जो था ना उसको कुत्ती गाली माँ, देना, हानिया माँ को हानिया क्यों दे रहे रिलैक्स हो? रिलैक्स रिलैक्स हो जा, रिलैक्स हो जा, वो जो था वो हमारी माँ को गालियां दे रहा था, उसको गालियां दी हैं। नहीं तुमने उससे पहले, अच्छा यार देखो साहिल, कितनी जबरदस्त बात है साहिल, देखो मैं कोई बंदा आके एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, पांच दफा गालियां दे रहा है, ये हसन की बात हो रही है, उसको मैंने जाते जाते फाइनली गालियां निकाल दी। अब उस पे हानिया जैसी औरत को तकलीफ होगी, पहले मैं गाली नहीं देता था, मैं सीधा मोहम्मद पे ले जाता था और मैं वो बात करता था जो मैं मोहम्मद से साबित कर सकूं, तब दूसरे मुसलमानों को तकलीफ हो जाती थी। यानी कि इनका बेसिक बेसिक पर्पस ये है कहने का कि खाली तुझे गाली जो भी सुनाओ, आगे बोले ना, तूने आगे जवाब नहीं देना, क्या ख्याल है? हाँ वही मुसलमान दे खाली सकते जितनी गाली मर्जी गाली, सुनाओ। हाँ खाली गाली सुनो, मुसले जितनी मर्जी गालियां दे लें, दैट इज फाइन फॉर देम। एडम सीकर ने वापस में अगर कुछ कह दिया वो गलत हो जाएगा, बस। सदफ बनने की नाकाम कोशिश। चल हानिया बाय बाय हो जाए।